दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं महात्मा गांधी नरेगा की अभिसरण विषयक गोरखपुर बस्ती मंडल के कार्यशाला का आयोजन सर्किट हाउस के एनेक्सी भवन में किया गया। मंगलवार को आयोजित कार्यशाला में ग्राम पंचायतों के गरीब वर्ग को मनरेगा योजना के अंतर्गत काम कराकर लाभान्वित करके संबंध में चर्चा की गई। इस मौके पर मनरेगा के अपर आयुक्त योगेश कुमार ने बस्ती और गोरखपुर मंडल के संबंधित अधिकारियों को सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई। योगेश कुमार ने प्रोजेक्टर के माध्यम से बताया कि फलदार वृक्ष लगाकर ग्रामीणों को किस तरह से लाभ पहुंचाया जा सकता है। मनरेगा अधिनियम की सूची एक के पैरा पाँच में वर्णित निम्न परिवार को आच्छादित किया जा सकेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, घुमंतू जनजाति परिवार, महिला प्रधान वाले परिवार, शारीरिक रूप से विकलांग प्रधान वाले परिवार, भूमि सुधारों के लाभार्थी, प्रधानमंत्री आवास योजना के अधीन लाभार्थी, अनुसूचित जाति तथा अन्य पारंपरिक वनवासी, वन अधिकार मान्यता के अधीन लाभार्थी और कृषि ऋण माफी और ऋण राहत स्कीम 2008 के यथा परिभाषित लाभार्थियों को संतृप्त होने के पश्चात लघु तथा सीमांत किसानों को भी व्यक्तिगत कार्य का लाभ दिया जा सकता है। कार्यशाला में ग्राम विकास आयुक्त नागेंद्र प्रताप सिंह, वरिष्ठ उपायुक्त शंभुनाथ तिवारी, सीडीओ अनुज सिंह सहित गोरखपुर और बस्ती मंडल के सीडीओ, बीडीओ, डीडीओ, डीडीडीसी मनरेगा, डीसी सोता रोजगार और एपीओ मनरेगा सहित संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अगले दो तीन महीने होने वाला है कि इसमें बहुत सारा लेबर बजट और बहुत सारा मटेरियल कंज्यूम होगा, एंगेज होने का उन वर्ष को अपने टारगेट पर रखिए। अब कौन सा मौसम आ रहा है, कौन सा वर्ष टारगेट रहेगा, कब हम प्लांटेशन इंडिविजुअल तीनों में कराएंगे, कब हम नया, ये 10 कैटेगरीज हैं जिन कैटेगरीज को हम लोग मनरेगा के अंतर्गत लाभान्वित कर सकते हैं। इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज जो एकदम से आपको आवास योजना से लाभान्वित हो, ये आपके पास लिस्ट बनी होती किसी भी गांव का होता कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित हो, इसमें किस तरह अधिकतम कितने पौधों की जरूरत पड़ेगी या न्यूनतम कितने पौधों की जरूरत पड़ेगी, हम चाह रहे हैं कि लीची का बाग लगाए या अमरूद का बाग लगाए, कितने पौधे होने चाहिए, एरिया पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा, मान ले एरिया इतना है कितने पे बैठेंगे हम, उसके खेत में मिट्टी का काम भी कराना चाह रहे हैं, जो लैंडिंग हो सकता है उसके केंद्र में तालाब हो सकता है, कुछ और गड्ढे उसके वो हो सकते हैं, हो सकती है जहाँ पानी इकट्ठ रहे, तो यदि हम उसको 5,000 रुपए के पौधे गिफ्ट करना चाह रहे हैं, देना चाह रहे हैं, तो 7,500 रुपए का मिट्टी का करा देने से 5,000 रुपए का मटेरियल उसके लिए जनरेट हो जाएगा। ये वाली कैलकुलेशन मैंने बताई अभी आपको, ठीक, हम किसी व्यक्ति को अधिकतम कितने हजार काम दे सकते हैं, 18,200 रुपए का, राइट, जब 18,200 के सापेक्ष हम इसको कैलकुलेट करते हैं 7,500 को, तो उसका 50-45% आता है, करेक्ट, 7,500 रुपए उसके पास यदि जाते हैं तो 5,000 तो हम उसको देने की पोजीशन में आएंगे, यदि 10,000 उसके पास जाते हैं तो फिर हम उसको 6,500 देने की पोजीशन में आएंगे, यदि 15,000 उसके पास जाते हैं तो हम उसको 10,000 का मेटल देने की पोजीशन में आएंगे। हमारा जो ट्यूनर है, कन्वर्जेंस ट्यूनर, हमारा जो इंडिविजुअल बेनिफिशियरी का ट्यूनर, उसके लिए चलता है कि 2 इंच इधर रहेंगे 3 उधर रहेंगे, तो यदि आपने किसी के खेत में 18,200 रुपए काम करा दिया तो आप उसके खेत में 12,000 रुपए का मेटेरियल देने की पोजीशन में आ गए बिना 60-40 का रेशो बिगाड़े। एडिट फैमिली, जो निराश्रित महिलाएं हैं जो कि एनआरएलएम में ऑपरेट करती हैं, कई बार उनके ग्रुप में होती हैं, उनके वाले परिवार बेगवर्ड है, ऐसी सीसी में चिनार के बिवराई परिवार करोड़ों की संख्या में है, ऐसी सीसी वाले जिनको आप लोग पीएमवाई में सैचुरेट कर रहे हैं, शारीरिक रूप से दिव्यांग प्रधान वाले परिवार, यदि प्रधान जो उनका हेड है, हेड ऑफ द फैमिली, वो शारीरिक रूप से दिव्यांग है, वे भी हमारे गवर्ड है।